अब टाइम है पेजेस को क्रिएट करने का। पेजेस के बारे में तो शायद आपने सुना हो, फेसबुक पे आजकल हर किसी ने अपना एक पेज बनाया हुआ। तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे वर्डप्रेस के कॉन्टेक्स्ट में कि ये पेजेस क्या होते हैं और आप इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स तो मैंने आपको दी थी, लेकिन दिस इज़ टाइम टू टेक अ डीप डाइव। अब हम ज़रा डिटेल में जाके देखेंगे और मैं कुछ आपको लाइव एग्जाम्पल्स दिखाऊँगा जो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए, आपको सिखाने के लिए चूज़ किए हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सक्सेसफुल वेबसाइट्स पेजेस को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एंड हाउ पेजेस आर डिफरेंट देन पोस्ट्स। लेट्स डू अ रीकैप ऑन पेजेस। क्या है पेजेस? पेजेस आर फॉर टाइमलेस स्टैटिक कंटेंट एंड डोंट हैव अ पब्लिश डेट। कंटेंट जो स्टैटिक है, स्टैटिक का क्या मतलब है? That content which does not have any sort of a frequency, या जो content move नहीं करता, या जिस content को आप शायद बहुत frequently update नहीं करते। Static content ज़रूर online जाके search कीजिएगा, you will get to learn more about it. So let's do a quick recap. क्या करते हैं pages और क्या नहीं करते? Are pages interactive? आप जवाब दें मुझे, are pages interactive? Pages are not interactive. Do pages have a timestamp? सोचें इस पे. Pages do not have a timestamp. Can pages have categories? Pages usually do not have categories. लेकिन अगर आप plugins को use करके अपने pages को कुछ categories देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन by default pages do not have categories. RSS feeds में क्या pages नज़र आते हैं? No, they do not show up in RSS feeds. Post formats क्या pages use कर सकते हैं? Unfortunately, pages cannot use post formats. तो अगर pages कुछ भी नहीं कर सकते तो आखिर pages कर क्या सकते हैं? What is it that pages can actually do? Pages can be hierarchical. So hierarchy एक create कर सकते हैं pages. Hierarchy क्या होती है? जी आप एक पेज को दूसरे पेज के अंदर नेस्ट कर लें। सो चाइल्ड पेजेस एंड पेरेंट पेजेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पेजेस कैन एक्चुअली हैव कस्टम टेम्पलेट्स, सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ पेजेस। और पेजेस आपके कुछ मेजर कंटेंट, जिस तरह अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, उसको यूज़ करने के लिए भी आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। एग्जाम्पल्स कुछ हम लाइव अभी देखेंगे। वेन वी गो देयर वी लुक एट the examples of binguru.com, we look at the examples of wpbeginner.com, and we will also try to look at the example of mangobars.com. so how many posts and pages can I have? Pages aap kitne rakh sakte hain? Pages bhi aap unlimited rakh sakte hain, but it's good to have smaller number of pages. aapki posts hamesha zyada hongi. again depends on your objective. seo ke liye pages are not that important, but they're important in terms of defining the site links and keeping a hierarchy of your websites. so I would say pages are equally important. should I use pages or posts for my website? ye aap pe depend karta hai, aapne dekhna hai. so let's go to our favorite website DigiSkills Sadhamit to learn about pages. abhi tak is website ka url aapko ज़ुबानी याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा बताया और आगे भी आप इतनी दफ़ा सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल्स है जो हम एक्सप्लोर करेंगे और बैकएंड से भी मैं आपको पेजेस दिखाऊंगा। लेकिन लेट्स लुक एट दीज टॉप लिंक्स। यूजुअली पेजेस आपको उन टॉप लिंक्स पे नज़र आएंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं होम, होम इज़ अ पेज विच हैज़ पोस्ट। अबाउट इज़ अ पेज, अबाउट पेज पर क्लिक करते हैं, लेट्स सी कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि अबाउट पेज पे कमेंट्स का सेक्शन नहीं है, इट्स नॉट इंटरैक्टिव। और उसके अलावा ब्लॉग का एक पेज है, कॉन्टैक्ट का एक पेज है। कॉन्टैक्ट के पेज पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अगेन मोर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको फिर इसके बैकएंड पे लेके
जाना चाह रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि पेजेस बैक एंड से कैसे लगते हैं. हमने लॉग इन किया और आप देख रहे हैं कि लेफ्ट पे पेजेस आर द सेम, जिस तरह पोस्ट नज़र आती हैं. पेजेस का एक पूरा सेक्शन है लेकिन उस पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. एक ऑप्शन है ऑल पेजेस, एक ऑप्शन है ऐड न्यू. सो हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, आप स्क्रीन ऑप्शंस पे अगर कोई चीज़ इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं. और ये देख रहे हैं कि काफ़ी पेजेस यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं. सो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप वर्डप्रेस पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस वर्डप्रेस ख़ुद एज डेमो इंस्टॉल कर देता है आपको दिखाने के लिए कि आप पेजेस प्लीज़ बनाएं, आप पेजेस प्लीज़ अपडेट करें. तो हैरान ना होइएगा इन पेजेस को देख के, बिकॉज दीज पेजेस वर क्रिएटेड बाई वर्डप्रेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन फेज एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू एडिट देम. तो यहाँ पे मैं आपको एक फ़ीचर दिखाना चाहूँगा क्विक एडिट की. तो क्विक एडिट की फ़ीचर से आप एक्चुअली डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कोई पेरेंट पेज है कि नहीं है. तो ये आपको देख रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहा है पेरेंट पेजेस को सिलेक्ट करने की और ऑर्डर डिसाइड करने की, उसकी पब्लिश डेट चेंज करने की. अगर आप उस पर कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे. अगर आप पेज को प्राइवेट करना चाहते हैं, अगर आप पेज एक नया बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, जो भी हम आपको दिखाएंगे. बट लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर अ पेज, लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर अबाउट पेज. अबाउट पेज को जिस तरह भी आपने सर्च किया तो आपके सामने अबाउट का एक पेज आ गया. इसी तरह दिस इज़ दी ब्यूटी ऑफ पेजेस एंड पोस्ट के एक बड़े हरारिकल वे में आपके पास चीज़ें यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में अवेलेबल हैं. और इसको अगर हम एक पेज को नया क्रिएट करना चाहें तो आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं. वी विल क्रिएट अ पेज राइट नाउ, वी विल कॉल इट डीजी स्किल्स. और अगर आप पब्लिश का बटन दबाएं तो ये पोस्ट पब्लिश भी हो जाएगी. सो दिस इज़ अ सिंपल एंड अमेजिंग वे टू क्रिएट पेजेस. बट आई वॉन्ट टू शो यू सम अदर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मैंगो बार्स, एग्जाम्पल्स ऑफ डब्ल्यू पी बिगिनर. सो मैंगो बार्स एक साइट है, काफ़ी पॉपुलर है, पाकिस्तानी साइट है. उस पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पेजेस यहाँ पे किस तरह बनाए हुए. सो यहाँ पे आपको शायद वो पेजेस डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने पेजेस को अपने मेन्यू में छुपाया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अबाउट एडवर्टाइज के कुछ पेजेस हैं जो दिखाए हुए हैं, जो हम अभी आपको दिखाएंगे भी. उसके अलावा ज़्यादातर आपको वो पेजेस उनके मिलेंगे साइट के फुटर में. तो यू गो एंड लुक एट द फुटर. तो यहाँ पे इन्होंने प्राइवेसी ये एक पेज भी बनाया हुआ है. तो दिस इज़ अगेन अ पेज, आप देख रहे हैं इस पर सिंपल इन्फॉर्मेशन है. कमेंट फीचर इन्होंने नहीं डाला हुआ. कमेंट फीचर क्यों नहीं डाला हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट पीपल टू कमेंट ऑन योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी. सो पेजेस आर ऑलवेज स्टैटिक. ये इनका पेज था जो शायद इन्होंने ख़त्म कर दिया. तो क्योंकि पेज नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, इनके अबाउट पेज पे आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि वी आर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी. सो इसी तरह एक और इन्होंने पेज बनाया हुआ है विच इज़ ऑन HR. इसी तरह हम डब्ल्यू पी बिगिनर को देख सकते हैं. डब्ल्यू पी बिगिनर पे भी इन्होंने कुछ पेजेस बनाए हुए जो हम उनके फुटर में जाके देख सकते हैं. कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है. सो ये कुछ पेजेस हैं जो आप अपनी वेबसाइट के लिए भी बना सकते हैं. अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इसी तरह एडवर्टाइज विद अस, ये कुछ पेजेस हैं जो आप बना सकते हैं. एंड देन इसमें इन्होंने फॉर्म भी डाला हुआ है, आप पेजेस में भी चीज़ें डाल सकते हैं. यहाँ पे सैयद बल्खी के बारे में आप उनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं. अगेन कमेंट फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा. सो दिस इज़ व्हाट वी लर्न अबाउट पेजेस. पेजेस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट एंड पेजेस को आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करेंगे. सो गो ऑन, ट्राई टू क्रिएट एंड मैनेज पेजेस एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन.